हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 6 जून से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहां पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। क्वेश्चन था कि बीते दिनों किस राज्य ने पिनराई विजयन को दूसरी बार अपना मुख्यमंत्री चुना है। तो सही आंसर होगा यहाँ पर केरल। देखिए, पी विजयन या फिर पिनराई विजयन जो है ये दूसरी बार केरल के मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए हैं। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर आज की करंट अफेयर की। देखिए, पहला क्वेश्चन है, हाल ही ब्लू फिनेन महासीर को IUCN ने अपनी रेड लिस्ट में लुप्त प्राय से कम चिंतनीय श्रेणी में स्थानांतरित कर दिया है, यह किसकी प्रजाति है। तो ये एक मछली की प्रजाति है। यहाँ पर जो ब्लू फिनेड महासिर है ये एक मछली की प्रजाति है जिसको IUCN पहले जो है इसने अपनी रेड लिस्ट में शामिल कर रखा था। रेड लिस्ट मतलब जो लुप्त प्राय जो प्रजाति है उसके अंदर, ठीक है, ये मानते थे कि ये लुप्त हो चुकी है, लेकिन अभी जो है इसको कम चिंतनीय श्रेणी में जो है स्थानांतरित कर दिया है। अगला अपडेट यहाँ पर देखिएगा, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सर अनिरुद्ध जगन्नाथ 91 वर्ष के निधन पर शोक व्यक्त किया है, जो कि किसके पूर्व राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री थे। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा मॉरिशस। देखिए, मॉरिशस के जो पूर्व राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जगन्नाथ, जिनको आप यहाँ पर देख रहे हैं, अनिरुद्ध जगन्नाथ इनका नाम है और ये भारतीय मूल के थे, इसलिए यहाँ पर थोड़ा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। ये भारतीय मूल के जो अनिरुद्ध है जगन्नाथ, इनका हाल ही में 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। और यहाँ पर देखिएगा, इनके जो है जो हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति है दोनों ने जो है इनके जो निधन है उस पर शोक व्यक्त किया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी वर्तमान में देखिए, इनके जो बेटे हैं प्रविंद जगन्नाथ, ये अभी यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, कहाँ के, मॉरिशस के। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, कैपिटल है पोर्ट लुइस, पोर्ट लुइस मॉरिशस की कैपिटल है। और यहाँ पे जो करेंसी है वो है मॉरिशियन रुपी, यहाँ की करेंसी यानी कि मुद्रा है, ठीक है। अगला अपडेट देखिएगा, पाताल भैरवी और कायाकल्प सहित 60 से अधिक पुस्तकों की रचना करने वाले पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित असमिया साहित्यकार, जिनका हाल ही 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, इनका नाम है लक्ष्मीकांत बोहरा। देखिए, ये इंपॉर्टेंट अपडेट है। लक्ष्मीकांत बोहरा जिनको आप यहाँ पर देख रहे हैं, 60 से अधिक किताबें इन्होंने लिखी है जिनमें अधिकांश उपन्यास और लघु कहानियों के संकलन हैं। इनका जो पहला उपन्यास था गंगा सिलोनीर पाखी 11 भाषाओं में अनुवादित किया गया था, काफ़ी पॉपुलर हुआ था, जिस पर एक 1976 में फिल्म भी बनी थी। और यहाँ पर देखिएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार जीत चुके हैं ये। इसके अलावा यहाँ पर जो साहित्य सभा है उसके अध्यक्ष भी रह चुके हैं। सरस्वती सम्मान भी इनको मिल चुका है, असम वैली लिटरेरी अवार्ड भी इनको मिल चुका है। तो ये काफ़ी सारे अवार्ड्स जीत चुके हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इनके कुछ पॉपुलर्स में जैसे कि जो कायाकल्प का नाम आपने अच्छे से सुना होगा, पाताल भैरवी, ये सारे जो है इन्हीं के उपन्यास, ठीक है। अगला अपडेट यहाँ पर देखिएगा, कहाँ के उपराज्यपाल RK माथुर ने छात्रों के लिए यूनटेब योजना लॉन्च की है। ये की है लद्दाख के जो उपराज्यपाल हैं, इन्होंने हाल ही में ये जो वहाँ के छात्र हैं उनके लिए ये यूनटेब योजना लॉन्च की है। यहाँ पर एक टैबलेट योजना है जो वहाँ के छात्रों को इसके तहत टैबलेट, मुफ्त टैबलेट वितरित किए जाएंगे। यहाँ के उपराज्यपाल RK माथुर ने ये घोषणा की है, ठीक है। चलिए, अगला अपडेट यहाँ पर देखिएगा, डेविड डीओप ने अपने किस उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 जीता है। वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट है यहाँ पर देखिएगा, जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 है इस बार का, वो किसने जीता है, डेविड डीओप ने जीता है। पहले तो ये ध्यान रखना कि किसने जीता है, डेविड डीओप ने जीता है। और किस उपन्यास के लिए जीता है, इनका जो उपन्यास था एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, क्या नाम है इसका, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, आप देख सकते हैं ये जो है डेविड डीओप और ये इनकी बुक का कवर पृष्ठ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखिएगा, ये अंग्रेजी भाषा में अनुवादित उनके पहले उपन्यास है इनका, ये एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, और इसी के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार इनको दिया गया है। और ये पुरस्कार जीतने वाले पहले फ्रांसीसी उपन्यासकार भी बन गए हैं, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहले फ्रांसीसी उपन्यासकार बने हैं। यहाँ पर देखिए, अगर मैं बात करता हूँ इस अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की, जिसे पहले मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में जाना जाता था, सुना होगा आपने, ठीक है। 2005 से दिया जाता है
और इसे पहली बार जो वो दिया गया था अल्बानियाई लेखक इस्माइल कदरे को दिया गया था। ठीक है, पहली बार जो यहाँ अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है ये अल्बानियाई लेखक जो इस्माइल कदरे हैं इनको दिया गया था। और ये जो है बुकर पुरस्कार का ही एक सहयोगी पुरस्कार है जो कि अंग्रेजी में लिखे गए एक उपन्यास को दिया जाता है। ये ध्यान रखिएगा केवल इंग्लिश में जो उपन्यास लिखे जाते हैं उन्हीं को ये अवार्ड दिया जाता है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला अपडेट, नितिन राकेश और जेरी विंड ने अपनी किस पुस्तक के लिए इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 जीता है। यहाँ पर बात हो रही है इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड जो कि इस बार जीता है नितिन राकेश और जेरी विंड ने। ध्यान रखिएगा इन्होंने किसके लिए जीता है, जो इनका यहाँ पर पुस्तक है ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। क्या नाम है, एक बार फिर से रिपीट हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। इसी की पुस्तक के लिए नितिन राकेश और जेरी विंड को ये इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। अगला अपडेट, हाल ही एयर मार्शल जिनको वायुसेना मुख्यालय में नया उप वायुसेना प्रमुख चुना गया है। आपसे अगर पूछा जाता कि हाल ही में कौन नए वायुसेना उप प्रमुख बने हैं तो यहाँ पर देखिएगा आपका सही आंसर होगा विवेक राम चौधरी जिनको आप यहाँ पे देख रहे हैं। हाल ही में इनको जो है वायुसेना का नया उप प्रमुख चुन लिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर इनके अलावा दो और नए पदों पर जो है चेंजेज हुए हैं, जिसमें यहाँ पर देखिएगा जो एयर मार्शल बल्लभा राधाकृष्ण है इनको दिल्ली में पश्चिमी कमांड में चौधरी की जगह इनको चुना गया है। यानी कि जो यहाँ मैंने आपको बताया था ये जो हैं ये इससे पहले जो है दिल्ली में पश्चिमी कमांड पर कार्यरत थे, जो कि अब पद खाली होने पर इनकी जगह यहाँ पर किसको ले लिया गया है, जो बल्लभा राधाकृष्ण इनको ले लिया गया है। और यहाँ पर जो एयर मार्शल आरजे डकवर्थ है ये प्रयागराज में सेंट्रल एयर कमांड की कमान संभालेंगे। तो ये चेंजेज हुए हैं यहाँ पर, इसमें ध्यान रखिएगा। चलिए अगला अपडेट है, हाल ही में कौन सा बैंक स्विफ्ट GPI इंस्टेंट सुविधा शुरू करने वाला विश्व स्तर का दूसरा बैंक बन गया है। सही आंसर होगा आपका ICICI बैंक जो है ये हाल ही में इस फैसिलिटी को उपलब्ध कराने वाला एशिया का पहला और विश्व का दूसरा बैंक बन गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा अगर मैं बात करता हूँ तो हाल ही में जो है ICICI बैंक ने स्विफ्ट के साथ अपनी साझेदारी की है और इसी के बाद जो है ICICI बैंक स्विफ्ट GPI इंस्टेंट सीमा पार से आवक भुगतान की सुविधा नामक सुविधा की पेशकश करने वाला एशिया प्रशांत में पहला और विश्व में दूसरा बैंक बन गया। देखिए इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आपने देखा होगा कोई भी ट्रांजेक्शन होता है जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन स्विफ्ट में आता है। ठीक है, स्विफ्ट से उसका ट्रांजेक्शन होता है तो होता क्या है कि मान लीजिए हमारे इंडिया में कोई कहीं से स्विफ्ट ट्रांजेक्शन हो रहा है अदर कंट्री से, तो वो मान लीजिए जैसे कि 21 तारीख को ट्रांजेक्शन हो रहा है तो वो हमारे डायरेक्ट बैंक अकाउंट में 21 को ही नहीं आ जाता है, उसमें 4-5 दिन होते हैं क्लियरेंस होने में, 4-5 दिन लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है टाइम जो है अब नहीं लगेगा अगर आप इसके जरिए यहाँ पे स्विफ्ट ट्रांजेक्शन करते हो ICICI बैंक के जरिए तो। ठीक है, यहाँ ये जिस दिन वहाँ से ट्रांसफ़र होता है अपना पैसा स्विफ्ट के जरिए उसी दिन अपने अकाउंट में आ जाएगा, ये यहाँ पर इसका बेनिफिट होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर ICICI बैंक की बात की है तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है, MD और CEO हैं संदीप बख्शी ICICI बैंक के। ठीक है, और इसके जो टैगलाइन है वो है हम है ना ख्याल आपका। ठीक है, ये इसका टैगलाइन है। अगला अपडेट, भारत ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए विश्व बैंक के साथ कितने मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है। सही आंसर होगा 200 मिलियन डॉलर का, ये रिसेंटली ऋण समझौता हुआ है विश्व बैंक ने और यहाँ पर जो राष्ट्रीय पोषण अभियान है इसके लिए समझौता हुआ है। ठीक है, राष्ट्रीय पोषण अभियान या फिर मिशन की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, जिसकी शुरुआत कब हुई थी, 2018 में हुई थी और ये मिशन बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताएं हैं उनके लिए पोषण संबंधित जो परिणाम है उनमें सुधार के लिए ही भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। ठीक है, इस राष्ट्रीय पोषण मिशन को जो है नीति आयोग द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय पोषण नीति के तहत जो है इसको समर्थन मिलता है और इसका उद्देश्य क्या है, 2022 तक कुपोषण मुक्त भारत बनाना। ठीक है, अगला अपडेट, 5 जून को विश्वभर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो सही आंसर होगा यहाँ पर, जो यहाँ पर 5 जून को
विश्व पर्यावरण दिवस मना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जिसको आप कहते हैं। देखिएगा यहाँ पर ये हर साल 5 जून को मनाया जाता है, और इसके मनाने की शुरुआत की अगर बात करते हैं, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उन्होंने 1972 में पर्यावरण और प्रदूषण पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया था, जिसके बाद से हर साल ये 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की परंपरा शुरू हुई थी, जिसमें लगभग 119 देशों ने हिस्सा लिया था। और जो पहली बार यहाँ पर ये ऑफिशियली मनाया गया था 1974 में, जिसका थीम क्या रखा गया था, ओनली वन अर्थ, इसका थीम रखा गया था पहली बार, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं इस बार की बात करता हूँ, थीम इस बार का भी आपको ध्यान रखना है, इस बार का थीम रखा गया है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। क्या थीम रखा गया है? इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, या फिर हिंदी में आप कह सकते हो पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली, ये इस बार का थीम है, ध्यान रखिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस का, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिएगा, अगर मैं बात करता हूँ तो इस बार इसकी जो मेज़बानी है वो पाकिस्तान के द्वारा की जा रही है, ध्यान रखिएगा। और 2020 में जो इसका थीम था वो था सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी, ये भी आपको ध्यान रख लेना। ये हो गया यहाँ पर विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में। अगला अपडेट देखिएगा, इनमें से किस मंत्रालय ने हाल ही में 11 हवाई अड्डा निगरानी रडारों के लिए महिंद्रा टेलीफोनिक्स के साथ समझौता किया है? तो ये किया है रक्षा मंत्रालय ने, इतना सा आपको ध्यान रखना। किसके साथ किया है समझौता? महिंद्रा टेलीफोनिक्स के साथ। अगला अपडेट जो आज की क्विज है, इसका आंसर लिखना आपको नीचे कमेंट बॉक्स में। देखिए क्वेश्चन है कि बीते दिनों निम्न में से किसने 10वीं बार इटालियन ओपन टूर्नामेंट का खिताब जीता है? जो भी करेक्ट आंसर है आपको लिखना है नीचे कमेंट बॉक्स में। सो गाइस ये थी आज की करंट अफेयर, होप आपको वीडियो पसंद आई है, तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।